तो दोस्तों जो आज का मेथड है अपना वो है इंस्टाग्राम के ऊपर। इंस्टाग्राम का एक बहुत ही ज्यादा सीक्रेट वेपन और सीक्रेट बिजनेस मेथड मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो अगर आप भी इंस्टाग्राम से काफी ढेर सारा पैसा अर्निंग करना चाहते हो एक बार अपना बिजनेस सेट करके, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है अगर आप इंस्टाग्राम से बहुत ज्यादा ही पैसा अर्न करना चाहते हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस करना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेसिकली तो मैं ये वीडियो आपको नहीं बताने वाला था, क्योंकि मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर अभी तक अटके हुए हैं ऐप अर्निंग से और वेबसाइट अर्निंग से। लेकिन गाइज अगर आपको मूव फॉरवर्ड करना है 6 फिगर और 7 फिगर इनकम मंथली, मतलब 8 लाख रुपए 10 लाख रुपए मंथली अगर आपको अर्न करना है ऑनलाइन से, और गाइज मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को ये बात हजम नहीं हुई होगी, क्योंकि गाइज यही प्रॉब्लम है कि हम बिलीव नहीं कर पाते हैं इसलिए हम अचीव नहीं कर पाते हैं। ज़्यादातर लोग जो बाहर हैं, जो हमसे US में है, जो कनाडा में है, जो ऑस्ट्रेलिया में, जो भी बाहर के लोग हैं, वो 7 फिगर 8 फिगर, इवन इंडिया में भी हमारा जो देश है यहाँ पर भी काफी ऐसे लोग हैं जो 7 फिगर और 8 फिगर अर्निंग सिर्फ ऑनलाइन से जनरेट करते हैं। यस गाइज एक बार वो बिजनेस बना लेते हैं और उसके बाद वो लाखों रुपए यहाँ से अर्न करते हैं, इवन करोड़ों रुपए भी। लेकिन गाइज आपको अगर अर्न करना है तो आपको क्या करना होगा वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना, और गाइज प्लीज इस वीडियो को एक लाइक देके कमेंट जरूर देना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस मैं लेके आते रहूं। तो दोस्तों आज का जो मेथड है आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा आई थिंक, क्योंकि ये जो मेथड है आपको पूरे पूरे यहाँ यूट्यूब पे मैं बता सकता हूँ, कोई भी चैनल हो जो आपको नहीं बताया होगा जो मेथड मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों बहुत ही गजब का मेथड है, बहुत ही स्पेशल मेथड है, थोड़ा ध्यान से समझना, समझ में आएगी चीज़ें आपको। और प्लीज़ गाइज मैंने इतने सारे मेथड अभी शेयर कर दिए आप लोगों के साथ, क्या क्या चीज़ें मैंने बताई कि यूट्यूब से कैसे अर्निंग करेंगे, ऐप की भी अर्निंग बता दी कि ऐप से आप कैसे फास्ट अर्निंग कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग से कैसे आप अर्निंग कर सकते हैं, इवन मैंने ये भी बताया कि आप फेसबुक से कितना फास्ट अर्निंग कर सकते हैं। तो ये सब मेथड सिर्फ बताने और देखने के लिए नहीं है, ये सब मेथड है अप्लाई करने के लिए। सो प्लीज़ गाइज गो एंड अप्लाई, जब तक अप्लाई नहीं करोगे तब तक सारी चीजें समझ में नहीं आई होंगी। तो अगर जिनके पास इंस्टाग्राम पे अकाउंट नहीं है सो प्लीज जाके इंस्टाग्राम पे अकाउंट क्रिएट कर लो, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जैसे आप फेसबुक पे अकाउंट क्रिएट करते हो वैसे ही आपको इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट क्रिएट करना होता है। जो नए हैं आई थिंक इंस्टाग्राम पे उनको काफी चीजें नहीं पता होंगी, तो मैं फिर से बता देता हूँ कुछ बेसिक चीजें कि जैसे ये जो मेरा अकाउंट है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहाँ आप मुझसे कनेक्ट करके अपने क्वेश्चन आंसर कर सकते हो मुझसे, और जो भी लंबा डिस्कशन ऑनलाइन में यहां मुझसे कर सकते हो। तो क्या होता है इसमें एक प्राइवेट अकाउंट होता है और एक तो दोस्तों इसमें क्या होता है एक प्राइवेट अकाउंट होता है और एक पब्लिक अकाउंट होता है। जो मेरा अकाउंट है वो एक पब्लिक अकाउंट है, ठीक है। सो आपने अगर ऑनलाइन में कभी भी कोर्सेज खरीदे होंगे, ठीक है, तो आप इस चीज़ को याद रखना जो मैं आगे बताने वाला हूँ, आपको ध्यान में रख लो जो चीज़ मैंने बोली है, अगर आपने कभी भी ऑनलाइन में कोई कोर्सेज खरीदे होंगे, ठीक है, अब इस चीज़ को याद रखो अपने दिमाग में। नेक्स्ट, जब आपको इंस्टाग्राम पे प्राइवेट प्राइवेट मतलब जब आपको एक प्राइवेट अकाउंट मिलता है आपको और आप उसको फॉलो करते हो, तो आपने देखा होगा कि जब आप उसको फॉलो करते हो तो जब तक वो बंदा ओके नहीं करता आपके प्रोफाइल को, मतलब जैसे कि मैंने किसी को फॉलो किया तो वो जब तक ओके नहीं करता, मतलब परमिशन नहीं देता अपने अकाउंट को देखने की, तब तक आप उसके अकाउंट को नहीं देख सकते। एम आई राइट? कमेंट में बताओ मुझे मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं, ठीक है। तो यही मेथड आपको यहाँ यूज करना है, ठीक है। जब आप किसी से कोई भी कोर्स खरीदते हो ऑनलाइन में तो वो क्या चीज करता है, वो ये चीज करता है गाइज, अगर आपने कोर्स लिया होगा तो आपको बिल्कुल पता होगा, अगर नहीं लिया होगा तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, क्या होता है ऑनलाइन में जब आप कोर्स खरीदते हो। तो वही चीज आपको इंस्टाग्राम पे भी यूज करनी है, वो मैं बताऊंगा कैसे। तो मैं बोर्ड पे ले चलता हूँ, बोर्ड पे दिखाता हूँ आपको कैसे आपको क्या करना है। तो दोस्त जैसे कोई भी आप ऑनलाइन में कोई भी कोर्स खरीदते हो तो वो क्या करते हैं आपको एक वीडियो देते हैं, ठीक है, तो वो वीडियो का एक पासवर्ड देते हैं। ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, ठीक है, एक पासवर्ड देते हैं, जो पासवर्ड आपको देते हैं प्राइवेट, ठीक है। तो आप उस पासवर्ड को वहां यूज करते हो और वो वीडियो ओपन हो जाती है, राइट। तो ये क्या हुआ, एक प्राइवेट वीडियो जिसमें वो कोर्स बेच रहे हैं, पीवी प्राइवेट वीडियो, ठीक है। और मैंने आपको क्या कहा, इंस्टाग्राम में दो चीजें होती हैं, एक प्राइवेट प्रोफाइल एक पब्लिक प्रोफाइल, प्राइवेट प्रोफाइल पीपी, ठीक है, और एक पब्लिक प्रोफाइल, दोनों पीपी है, ठीक है, एक छोटा पी ले लेते हैं इसके साथ, पब्लिक प्रोफाइल और सॉरी पब्लिक प्रोफाइल और प्राइवेट प्रोफाइल, ठीक है।
ये दो चीजें होती हैं, पब्लिक प्रोफाइल मतलब मैंने जो दिखाया अपना प्रोफाइल वो मेरा पब्लिक प्रोफाइल है, सब कोई इसको देख सकते हैं, कभी भी आके फॉलो कर सकते हैं, अनफॉलो कर सकते हैं, उनकी जिम्मेदारी। ठीक है, कुछ मिलेगा तो फॉलो करेंगे, नहीं मिलेगा तो अनफॉलो करेंगे। जैसे मैं मोटिवेशन देता हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूँ कि ऑनलाइन में आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं, तो लोग मुझे फॉलो करते हैं। ठीक है, अब मान लो ठीक है मेरा प्राइवेट अकाउंट है, तो कोई बंदा मेरे अकाउंट पे आता है, देखता है इसके अकाउंट में क्या है, तो मेरी सारी चीजें तो फोटो वोटो दिखेंगी नहीं। ठीक है, तो वो आता है, घूमता है, फिरता है, उसको मन करता है तो फॉलो करता है, नहीं मन करता नहीं करता। लेकिन अगर मेरा जो अकाउंट है वो प्राइवेट नहीं रहेगा, तो कोई भी आएगा देखेगा, हाँ इसके पोस्ट अच्छे हैं, चलो इसको फॉलो कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कुछ सारी चीजें हमें दे रहा है, कुछ कंटेंट दे रहा है जिससे हमारा सेल्फ इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो इसको फॉलो कर देते हैं। और अगर मैं अपने अकाउंट को प्राइवेट रखता हूँ तो वो मुझे फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन गाइज यहाँ पर मैं आपको एडवांटेज दिलाने वाला हूँ कि अगर आप अपने प्रोफाइल को प्राइवेट रखोगे तो आप काफी ज्यादा पैसा अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, तो जो मेथड आपको मैं बताने वाला हूँ बिल्कुल प्रूवन मेथड है, काफी सारे लोग जो बाहर यूएस वेस की कंट्री है वो लोग इस मेथड को यूज कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, जैसे कि कोई भी अकाउंट को पहले वो प्राइवेट कर देते हैं, आप भी सेम चीज को यूज कर सकते हो, और मैं ये भी बताता हूँ आपको कैसे कैसे यूज करना है। कोई भी अकाउंट को प्राइवेट कर देते हैं सबसे पहले, ठीक है, अकाउंट को बना के प्राइवेट कर देते हैं, प्राइवेट अकाउंट। अब कोई भी बंदा उस पर क्लिक करता है, उनके प्रोफाइल पे जाता है, तो उनको सारी चीजें नहीं दिखती हैं। ठीक है, लेकिन वहां उनको डिस्क्रिप्शन दिखता है, जो डिस्क्रिप्शन वो रहता है वहां उन लोगों ने डिस्क्रिप्शन पे डाल के रखते हैं कि हम ये चीजें प्रोवाइड करते हैं। मान लो कुकिंग से रिलेटेड, मान लो हेल्थ से रिलेटेड, मान लो मोटिवेशन से रिलेटेड, ये सारी चीजें हम प्रोवाइड करते हैं, लोग देखते हैं। ठीक है, और वहां पर वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं बेसिकली कि हम ये कंटेंट बेच रहे हैं। तो गाइस आपको भी क्या करना है, आपको भी अपना कंटेंट जनरेट करना है, चाहे वो कुकिंग पे हो, कुकिंग की वीडियोस बना लो, या आप जिम करते हो, जिम के टिप्स देते हो तो जिम की वीडियोस बना लो, या आप कोई भी ऑनलाइन मेथड शेयर करते हो, जैसे मैं यूट्यूब पे शेयर कर रहा हूँ, आपको इससे बेनिफिट मिल रहा है, आपको ट्रिक्स पता चल रही है, तो वैसे वीडियोज बना लो। ठीक है, मतलब कंटेंट कुछ भी बना सकते हो। मान लो गर्ल हो आप एक लड़की हो, ठीक है, तो आप एज अ मॉडल काम कर सकते हो। ठीक है, मॉडल मतलब आप अपनी फोटोज पे कुछ टैग्स वैक्स लिख के, ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें संभाल के करनी है कि अगर आप मॉडलिंग करने जा रहे हो तो काफी चीजें होती हैं, तो समझ रहे हो ना जो मैं बात को बोल रहा हूँ। तो आप अपने टैग वैग भी बना सकते हो कि ये मेरा टैग है, मतलब टैग वैग मतलब कुछ लिख सकते हो उसमें इंस्पायर करने के लिए लोगों को। ठीक है, जैसे मॉडल लोग करते हैं अपने फोटोज पे लिखते हैं, और कहीं कहीं अच्छी अच्छी जगह फोटो खड़े होकर खिंचवा लेते हैं, तो वो फोटोज बिकती हैं। ठीक है, उसमें पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। ठीक है, तो वो चीज होती है। तो ऐसे ही करके आपको भी कंटेंट बनाना है और अपने प्रोफाइल में डाल देना है, मतलब अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल में डाल देना है। अब जब लोग आएंगे, ठीक है, तो आप उनको क्या दे रहे हो, कंटेंट दे रहे हो, उनसे उनको फायदा हो रहा है, तो आप अपने आईजी को प्राइवेट रखोगे, जो मैंने कहा था वो याद रखना, और उनसे आप $5 मिनिमम, अब आपके ऊपर है आप कितना डॉलर उनसे चार्ज करोगे, आपके कंटेंट के ऊपर है कि आपका कंटेंट कैसा है, अगर आप एज अ मॉडल काम कर रहे हो तो आपके ऊपर है कि आप मॉडलिंग में कितना फास्ट हो, या आपका जो फोटोग्राफी है, या आप जो मॉडल हो कि आपका क्या रेट है, आपका क्या रेंज है, क्या वैल्यू है मार्केट में, उसके अकॉर्डिंग आप चार्ज करोगे। मैं सिर्फ एक मिनिमम वेज बता रहा हूँ कि $5 अगर आप चार्ज करते हो, सब्सक्रिप्शन रखते हो, कि वीकली आप $5 दोगे उनके इंस्टाग्राम को देखने के लिए और उनके कंटेंट को मार्केट में यूज करने के लिए। ठीक है, अगर आप मॉडल और फोटोग्राफर हो तो उनके कंटेंट को यूज करने के लिए $5। अगर आप कुकिंग शो करते हो, या कोई टिप्स एंड ट्रिक्स देते हो, या आप बॉडी के टिप्स एंड ट्रिक्स देते हो, तो आप उनको $5 में सिर्फ एक वीक के लिए आप उनको अपने प्रोफाइल में मतलब अलाउ किए हो कि एक वीक तक आप मेरी ये सर्विस ले सकते हो, $5 पर वीक। मतलब मान लो अगर वो एक महीने रुकते हैं तो $20 पर मंथली एक बंदे से बनता है। अगर आप 10 बंदे भी यहाँ बना लेते हो तो $200 आपको मंथली मिलते हैं। ठीक है, सिर्फ $5 लेके चल रहा हूँ, आपका ये जो सब्सक्रिप्शन है ये आप $20, $25, इवन $50 तक देख सकते हो। ठीक है, मेरा एक दोस्त है, वो $50 के सब्सक्रिप्शन बेच रहा है, वो यहाँ से नहीं है, वो US से है, वो Shopify के ट्रिक्स बेचता है, ड्रॉप शिपिंग के ट्रिक्स, तो वो $50 पर वीक एक बंदे से लेता है। और गाइज मैं बता दूँ, उसने शुरू किया था 6 महीने पहले,
आज उसके पास नहीं भी तो नियर टू 200 लोगों का सब्सक्रिप्शन है उसके इंस्टाग्राम पे। पर वीक उनसे वो $50 चार्ज करता है उसके टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करने के लिए। लोग $50 उसको देते हैं और हर वीक वो $50 एक बंदे से लेता है। तो ये उसका कंटेंट है। क्यों लेता है? क्योंकि उसका कंटेंट में दम है। जब आपके कंटेंट में भी दम रहेगा, आप कुछ लोगों को सिखा सकते हो। आप कुछ भी सिखा सकते हो। किसी को हिंदी सीखने की जरूरत है तो आप उसको कर सकते हो। हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, फ्रेंच हो गया, चाइनीज हो गया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं गाइस जो भटक रहे हैं। तो इंस्टाग्राम के आप प्रोफाइल को सिर्फ प्राइवेट करके इतनी चीजें लोगों को सिखा के मंथली सब्सक्रिप्शन, मतलब ये जो पैसा एक बंदा बन गया, आपका एक बंदा स्टूडेंट बन गया, तो वो हर हफ्ते आपको पे कर रहा है, हर हफ्ते आपको पेमेंट दे रहा है। महीने में 4 हफ्ते 4 बार आपको पेमेंट करेगा। अगर 10 के हिसाब से करता है तो $40 आपको मंथली एक बंदा देता है। ठीक है, आपके कितने भी सब्सक्रिप्शन बढ़ सकते हैं। शुरू शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, 5 बंदे 6 बंदे 10 बंदे होंगे, लेकिन जैसे ही आपके सब्सक्रिप्शन में दम रहेगा तो वो जाके मुंह टू मुंह, माउथ टू माउथ आपका मार्केटिंग फैलेगा, लोगों को बताएगा और वो खुद ही आपकी मार्केटिंग करेगा और लोग आपके पास लेके आएगा। जैसे कि मेरे दोस्त के साथ हुआ, वो खुद ही जाते हैं, लोगों को बताते हैं, लोग आते हैं उनके पास और उनके अकाउंट को फॉलो करते हैं। उसने एक पूरी लिस्ट बना रखी है, एक पूरी लिस्ट लिस्ट बना रखी है उसने, यहाँ उनका नाम है, ये इनका, और वो मॉनिटर करते रहता है कि इसने इस इतने $5 इस महीने दे दिया, इसने $5, ठीक है, मैं $5 मिनिमम लेके चल रहा हूँ, उसका $50 है, ठीक है, $50 समझ रहे हो, 3,000 रुपये वीकली एक बंदे से चार्ज करता है वो, 3,000 रुपये वीकली इन इंडियन करेंसी, 3,500 से 3,000 रुपये वीकली चार्ज करता है वो। उसने सबकी लिस्ट बनाई हुई है, सबकी, आपको भी ऐसी सबकी लिस्ट बनाना है कि कौन फॉलो कर रहा है, कब किसका सब्सक्रिप्शन खत्म हो रहा है, मतलब अगर उसने आज लिया तो नेक्स्ट संडे नेक्स्ट मंडे उसका खत्म हो जाएगा। तो फिर वो फिर से उससे जाके पूछता है क्या आपको आगे और बढ़ाना है आपका अपना सब्सक्रिप्शन, अगर बढ़ाना है तो $5 अपना $50 आप दीजिए, ठीक है, फिर उसको $50 देते हैं तो उसका सब्सक्रिप्शन वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर नहीं करता है तो वो उसको उनको अनफॉलो कर देता है, अनफॉलो करके अपने प्रोफाइल से हटा देता है, तो बेसिकली वो उसके कंटेंट को नहीं देख पाएंगे, आगे नहीं देख पाएंगे। ठीक है, आप कोई भी सीरीज स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि ये टेक्निकल गुरु जी हैं वो टेक टॉक्स करते हैं, तो ऐसे कोई भी सीरीज भी आप स्टार्ट कर सकते हो कि उसकी एक सीरीज आज आएगी, एक दूसरी सीरीज परसों आएगी। अब मान लो वीडियो बनाना है, मैं यहाँ पर डेली आपको नए नए टिक्स एंड ट्रिक्स देता हूँ इस चैनल पर, लेकिन गाइज वहाँ आपको डेली नहीं बनाना, वीक में 2 वीडियो आपने दे दी, ठीक है। मान लो आप हेल्थ के बारे में बता रहे हो, आप बता रहे हो चेस्ट कैसे मारना है जिम में, ठीक है, बहुत मतलब हेल्थ का काफी ज्यादा कंपटीशन है, तो हेल्थ के निश पे काम मत करना इंस्टाग्राम पे, कुछ और निश चुनना जो आपका टैलेंट है, वो कुछ भी हो सकता है, स्पीकिंग, सिंगिंग, प्लेइंग, कुछ भी हो सकता है, अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग आप निश बना सकते हो। लड़कियों को ज्यादा एडवांटेज है क्योंकि वो मेकअप के निश बना सकते हैं, वो मॉडलिंग कर सकते हैं, वो फोटोग्राफी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें, फोटोग्राफी बॉयज भी कर सकते हैं। तो ये सब निश है कि एक एपिसोड अभी मंडे आएगा तो एक एपिसोड फ्राइडे आएगा, 2 वीडियो आप वीकली दे सकते हो, ठीक है, और 2 वीडियो के आपने कितने चार्ज ले रहे हो, आप $10 $15 $20 से चार्ज ले रहे हो। शुरू में आप $5 लेना, क्योंकि थोड़ा आप नए रहोगे तो मार्केट जमाने में आपको टाइम लगेगा। तो ऐसे करके गाइज आप ऐसा ग्रोथ कर सकते हो, सिर्फ एक अकाउंट को प्राइवेट करके आप मोनेटाइज करके रेकरिंग इनकम हर मंथली आपका आपका तय रहेगा कि आपको इतने लोगों से इतना पैसा है आ रहा है इतने लोगों से, और पहले पैसा ले लेना है, ठीक है, और आपको उनके साथ काम करना है एज अ भरोसा मंद बन के। भरोसेमंद मतलब अपने आप को जेन्युइन दिखाना है, लाइव आना है, लाइव वीडियोस करनी है, लोगों के साथ कनेक्ट करना है, फिर आपके पे लोग भरोसा करेंगे और आपका गेम आगे बढ़ेगा। इट्स वेरी वेरी इजी लुकिंग, ठीक है, दिख रहा है बहुत ज़्यादा ईजी, लेकिन आपको इसमें पूरा घुस के अच्छे से मेंटली प्रिपेयर होके कंटेंट को साथ लेके काम करना होगा। और गाइज बिलीव मी, अगर आप एक्शन लोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर दशरथ मांझी 22 साल में इतनी बड़ी पहाड़ को खोद सकता है, तोड़ सकता है और एक रास्ता बना सकता है वो बंदा, तो आप भी उसी मिट्टी के बने हो मेरे दोस्त मेरे भाई। एक्शन लो यार, एक्शन लो। मैं हर वीडियोस में बोल बोल के थक गया हूँ कि आप लोग एक्शन नहीं लेते, मुझे इंस्टाग्राम पे इतना डीएम करते हो, मुझे फेसबुक पे मैसेज कर रहे हो, जिनके पास व्हाट्सअप का नंबर है वो व्हाट्सअप मैसेज कर रहे हैं, भाई कुछ नया बताओ, कुछ और नया बताओ। भाई मैं हर रोज आपको नई चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप अप्लाई नहीं कर रहे हो। जब आप एक मैथड पे पूरा फोकस लगा के अप्लाई करोगे तब आप आगे बढ़ोगे। गाइस पहले एक मैथड पे
पूरा दिमाग लगाओ, फिर उस पे काम करो, और फिर उसके बाद सेकेंड मेथड पे जाओ। जब एक बिजनेस जम जाए फिर दूसरे, फिर तीसरे, ऐसे आगे बढ़ो। अब आप सोचोगे कि मैं धीरे धीरे वीडियो बनाते जाऊँ, आप डेली नया मेथड देखते जाओ, डेली नए मेथड पे काम करो, तो नहीं हो पाया। एक पे घुसो और पूरा फोकस डालो और काम करो। गाइज बिलीव मी, यू कैन डू एनी थिंग। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। गाइज प्लीज अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस करो। अगली वीडियो और भी इससे ताबड़तोड़ अच्छी धमाकेदार स्पेशल होने वाली है, जो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट देगी। आशा है कि आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। तो वीडियो में कमेंट जरूर करना जो मुझे मोटिवेट करता है, लाइक जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे जो बिल्कुल टाइम पास कर रहे हैं उनके साथ जरूर ये वीडियो को शेयर करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। जय हिंद।